अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो यार आ गए एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो वेलकम बैक हो गया तुम लोगों का व्लॉग के अंदर। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो वो ज्वाइन कर ले ताकि मेरी वीडियो जो है, और बेल आइकन दबाया करें यार। आप बेल आइकन नहीं दबाते आप फिर कहते हो हम वीडियो आई नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो ये अभी हम फजर पढ़ के आए हैं दो दरिया पे, जो कि कराची की खूबसूरती का राज है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पीछे चौधरी, ये हमारा चौधरी है लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया। ये पता है कहाँ पैदा हुआ है? वहाँ लिखा होता है जब सवाल ही पैदा नहीं होता। दो दरिया की, आप सोच रहे हो कि दो दरिया में पानी आता कहाँ से है? मैं आपको बताता हूँ पानी कहाँ से आता है दो दरिया में। सामने देखो बबे, तो देख रहे हो आप लाइन, ये पानी जा रहा है सीधा दो दरिया में। पानी से निकल रहा है, ठीक है, पानी साफ है, ये साफ पानी दो दरिया में जा रहा है। यार हम लोग कहते हैं दो दरिया में पानी यहाँ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है जगह। मेरे व्लॉग वीडियो ऑन है। ये भाई हमारे सस्ते क्रिश 4। चल ठीक है, तू अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करियो, मैं बता रहा हूँ तेरे को। मैंने बोला था मेरे बॉर्डर पे नहीं है, बॉर्डर पे नहीं है, मेरे बॉर्डर पे नहीं है। क्यों आया मेरे बॉर्डर पे? चल ना, आ जा। हाँ ओ आ गए। A few moments later. ये भाई बिरयानी आ गई हमारी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत आला यार, ये कराची की रिस्पेक्ट है, कराची की रिस्पेक्ट है माशाल्लाह से। और अल्लाह की जो है ना, बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए। ये बिरयानी वगैरह खाते हैं, इससे आप लोग देख रहे हो गया, मुंजा भी नहीं बैठे हुए, हफ्ता साल में बैठे हैं। बिरयानी खाते हैं, उसके बाद आपसे बनी है आपने जी जी वो नहीं खा रहे, वो कह रहे अहमद को खिला दो ये वाली। हाँ वैसे भी मैं सदका देता हूँ, तू खा ले। कट भी आ गए भाई हमारे, ये काम तूने सही किया लाला, कट भी आ गए, मुफ्ता भी आ गया। ये बच्चू चाय, चलो बच्चू चाय। मजेदार। 2000 years later. तो वही सुबह जैसे आपको कहा था कि सीवीओ से होके हम जाएंगे पार्क प्रैक्टिस करने सेल्फ डिफेंस की। तो यह आ गया हमारा पार्टनर, ये शरीफ है यार, इसको ऐसे नहीं समझा करो। इसका कोई मसला है इस वजह से जो है इसने मुंह छुपाया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अभी आपको जो है ना, पहले मैंने ब्लॉकिंग सिखाई थी, फिर एक्सरसाइज सिखाई थी, और जो है ग्रिप को खोलने का तरीका बताया था। आज आपको अटैक का तरीका बताऊँगा, पंच, दो पंच और एक किक बताऊँगा, उसको आप फॉलो करना है, ठीक है? तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने लेफ़्ट से ब्लॉक करना है किसी भी फाइट में, और राइट पंच की जो फ्रंट के दो निकले हैं फिंगर्स के, वो नाक पे जो है हिट करने। तो ये आपकी प्रैक्टिस जो है डेली, तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट ये प्रैक्टिस डेली करनी है आपने, ताकि आपको आदत हो जाए इसी तरह फाइट करने की। और इसका रूल ये कि जो टंग आपकी आगे होगी वो पंच पहले निकलेगा, उसके बाद दूसरा पंच निकलेगा। ये गौर से ये वीडियो को देखें, उसके बाद किक यूज़ कीजिएगा। और ये बिल्कुल इजी सी एक मूव थी यार, उसी टाइम मेरे दिमाग में आई थी, मैंने कहा ये आपको मूव आपके साथ शेयर करूं। ये ब्लॉक करके आपने गर्दन की पीछे से लॉक करके, और ये आप सीने पे भी हिट कर सकते हो और फेस पे भी हिट कर सकते हो। अगर कोई आप पे अटैक करने आ रहा है तो आपकी ये प्रैक्टिस डेली की होनी चाहिए,
कि कोई अचानक अटैक करे तो आप खुद को डिफेंस कर सको। और बाकी यार एंड में ये मेरे जो है पर्सनल मूव्स हैं, ये देखो और एंजॉय करो वीडियो। भाई आपने देखी होगी वीडियो, दो पंच और एक किक। एक किक जो है ना यहाँ लगेगी स्टमक में, जो ये आपका बिल्कुल जो ये जगह होती है बहुत सॉफ्ट होती है यहाँ, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं मारनी, ओपोनेंट का बहुत नुकसान भी हो सकता है, हॉस्पिटल का फेस भी वो देख सकता है। आपने दो पंच मारने, जो टांग आगे होगी वो पंच पहले लगेगा। आप यूँ खड़े हो ना, यूँ खड़े हो, पहला पंच लगेगा, उसके बाद दूसरा लगेगा, उसके बाद आपकी किक लगेगी, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही, फिर मुलाकात होगी, मिलते हैं फिर किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।